गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम हमारा जो चैप्टर फोर है वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर फोर द ब्रेव लिटिल स्प्राइट, चैप्टर फोर है हमारा द ब्रेव लिटिल स्प्राइट। ये चैप्टर है वो मैं इसके आपको आज हार्ड वर्ड्स और वर्ड मीनिंग में आपको करवाऊंगी। तो ओपन योर बुक एंड नोटबुक। चैप्टर जो थ्री है वो हमारा कम्प्लीट हो चुका है, चैप्टर थर्ड तक मैंने आपको कम्प्लीट करवा दिया। चैप्टर फोर स्टार्ट करेंगे द ब्रेव लिटिल स्प्राइट, एक बहादुर छोटी पतंग। ठीक है, ये पोयम है आपके, तो इसके जो हार्ड वर्ड्स है वो और जो वर्ड मीनिंग है कुछ वो मैं आपको नोटबुक में राइट करवाऊंगी। तो ओपन योर बुक एंड नोटबुक। सब लोग अपनी बुक और नोटबुक ओपन करेंगे। इसके हार्ड वर्ड्स है द ब्रेव लिटिल गाइड का पार्ट फर्स्ट मैं आपको करवा रही हूँ। इसके हार्ड वर्ड्स है PRANQUIL, टेन क्वीन। टेन क्वीन होता है वेरी काम पीसफुल, वेरी काम पीसफुल, शांत। FRIGSTELED, frightened means afraid of something, tremble, shake, WHIRLING, breathing, going round and round। Now repeat again, tranquil, very calm, peaceful, frightened, afraid of something, tremble, shake, breathing, going round and round। Tranquil means होता है शांत, शांतिपूर्वक। Frightened, डरना, tremble, shake, breathing, going round and round। Round। ठीक है, इसमें एक ब्रेव लिटिल काइट जो है एक पोयम है, एक बहादुर छोटी पतंग की पोयम है। वो किस तरह आकाश में उड़ती है, पहले तो उसको बहुत डर लगता है, बहुत ज्यादा वो फ्राइटेड रहती है कि मैं ऊपर जाऊंगी तो मैं गिर जाऊंगी, मैं ऊपर नहीं उड़ सकती। बट वो कोशिश करती है, लेकिन वो कोशिश करती है, उड़ने की कोशिश करती है और वो आकाश में सबसे ऊपर जाके, बहुत जो सारी जो काइट्स थी उनसे भी सबसे ऊपर जाके वो आकाश में फ्लाई करती है। उसको भी एक भी काइट होती है, वो भी उसको कहती है कि तुम अगर ऐसा सोचो कि गिर जाओगी तो तुम कभी नहीं उड़ सकती, तो तुम कोशिश करो, तुम ट्राई तो करो कि मैं उड़ सकती हूँ, तुम कोशिश करोगी तभी तुम उड़ोगी, अदरवाइज तुम नहीं उड़ पाओगी, तुम नीचे ही रह जाओगी और नहीं उड़ोगी। और हम लोग तो क्या उड़ के ऊपर आकाश में जा रहे हैं, तो तुम भी तो कोशिश करो उड़ने की। लेकिन जो लिटिल काइट बोलती है, देखो ये लिटिल काइट है, ये कह रही नहीं मैं नहीं उड़ सकती, मैं गिर जाऊंगी, मुझे डर लगता है। लेकिन ये बिग काइट बोलती तुम ट्राई करो, बट वो क्या कहती नहीं मैं ट्राई नहीं कर सकती, मैं नहीं उड़ सकती, और ये इसको गुड बाय कह के ऊपर चली जाती है। लेकिन बाद में ये कोशिश करती है और आकाश में स्काई में सबसे ऊपर जाती है उड़ते, जहाँ से इसको हर चीजें, जो बच्चे जो होते हैं, जो गार्डन है, जो काऊ, जो उसमें फील्ड में जो काऊ वगैरह होती है, ऊपर से जब हम देखते हैं तो नेचुरली हमें सारी चीजें स्मॉल दिखते हैं। तो जब ये ऊपर सबसे ऊपर जाके स्काई में फ्लाई करती है, तो वहां से जब ये नीचे देखती है तो इसको हर चीज इसको छोटी नजर आती है, और ये अपने आप में बहुत अच्छा फील करती है और उसको बहुत अच्छा लगता है। और क्यों ये क्यों उड़ी, क्योंकि इसने कोशिश करी थी, जब इसने कोशिश करी तो आकाश में सबसे ऊपर उड़ी। आपको भी जब आप लोग साइकिल वगैरह चलाते हैं, कुछ पढ़ना, अगर आप कोई पढ़ना सीख रहे हैं, लिखना सीख रहे हैं, यू कैन लर्न रीड एंड राइट, या आप साइकिलिंग करना सीख रहे हैं, जो भी आप सीख रहे हैं, तो जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसको करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो वो चीज आपको नहीं आएगी। ये ऐसा ही इस काइट के साथ होता है। तो जब हम ये पोएम रीड करेंगे तब मैं आपको इसमें और बताऊंगी। तो एट फर्स्ट यू राइट हार्ड वर्ड्स इन योर नोटबुक, ये हार्ड वर्ड्स आप लोग राइट करो, फिर मैं आपको इसकी वर्ड मीनिंग भी करवाऊंगी। राइट, अब इसकी वर्ड मीनिंग करवा रही हूँ। TRANQUIL, ट्रैंक्विल, शांत, पीसफुल, शांत, शांतिपूर्वक। BRAVE, बहादुर। TRIED, ट्राई, कोशिश करना। NEVER, नेवर, कभी नहीं। FALL, फॉल, गिरना। AFRAID, अफ्रेड, frightened, इट मीन्स होता है डरना, भयभीत होना। NODED, नॉडेड, सहमति से किसी चीज के लिए सिर हिलाना। नाउ रिपीट अगेन, ट्रैंक्विल, शांत, ब्रेव, बहादुर, ट्राई, कोशिश करना, नेवर, कभी नहीं, फॉल,
गिरना, अफ्रेट डरना, भयभीत होना, नॉडेड सहमति से सिर हिलाना, हम लोग कहते हैं नॉड मिक्स होता है सिर हिलाना, सहमति से किसी चीज के लिए सिर हिलाना, अफ्रेट और फ्राइटेंडेड मीन्स डरना भयभीत होना। तो ये वर्ड मीनिंग भी आपको नोटबुक में राइट करना है, आप लोग राइट करेंगे नोटबुक में। नंबर 8 है टी आर ई एम बी एल ई ट्रम्बल हिलना, टी डब्ल्यू ए टी ओ डब्ल्यू ए आर डी एस, टू वर्ड्स मीन्स होता है किसी दिशा की तरफ जाना, एक ही दिशा की तरफ जाना। टी एच आर ओ यू जी एस थ्रो में से टी एच आर आई डबल एल ई डी थ्रिल रोमांचित होना रोमांच, बी ई एल ओ डब्ल्यू ग्लो नीचे, क्यू यू आई ई टी क्वाइट शार्म, एस टी ई ए एस टी ई ए डी आई एल वाई स्टेडली बिना रुके एक ही गति से घूमना, मतलब बिना रुके घूमते हुए रहना तेज तेज, बिना रुके तेज तेज जो घूमते रहता है उसको बोलते स्टेडली। नाउ रिपीट अगेन, ट्रम्बल हिलना, टू वर्ड किसी दिशा की तरफ जाना, थ्रो में से थ्रिल रोमांचित या रोमांच, ब्लो नीचे, क्वाइट शांत, स्टेडली बिना रुके एक गति से जो घूमना होता है उसको कहते हैं स्टेडी। ये जो वर्ड मीनिंग मैंने आपको करना है, ये वर्ड मीनिंग आपको नोटबुक में राइट करना है, लर्न करना है अच्छे से, आपको वर्ड मीनिंग लर्न होने चाहिए और इन वर्ड मीनिंग को आप लोग राइट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को रीड करेंगे। आज जो वर्क करवाए हार्ड वर्ड्स और वर्ड मीनिंग दोनों नोटबुक में राइट करना है, लर्न करना है। नेक्स्ट क्लास में हम ये जो चैप्टर है द ब्रेव लिटिल काइट, ये जो पोएम है आपकी चैप्टर 4 वाली, वो हम रीड करेंगे। थैंक यू।